कठुआ की पहाड़ी तहसील बनी में पिछले कई दिनों से चल रही मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से ग्रामीण विकास विभाग में कामकाज प्रभावित हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मियों ने बुधवार को भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि सरकार से रोजगार नीति बनाने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विभाग से कई बार इस संबंध में बात भी की, लेकिन हर बार कमेटी बनाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई। पिछली कमेटी को 15 दिन का समय दिया गया कि रिपोर्ट पेश करें, लेकिन कमेटी ने ना तो रिपोर्ट दी और ना ही रोजगार नीति को लेकर कुछ किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में कई पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें उन पदों पर मर्ज किया जाए, लेकिन इस मांग को भी नहीं माना गया। आश्वासनों के माध्यम से उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जायज है और जब तक उसे पूरा नहीं किया जाता वे हड़ताल जारी। सर, लास्ट टाइम हमारी स्ट्राइक जो है प्रोवेंस लेवल पे चली थी, जो कि 17 दिन लगातार कंटिन्यू चलती रही। बट उस वक्त क्या हुआ कि मिनिस्टर साहब ने हमें रिटर्न में एश्योरेंस दिया था कि मैं आपके लिए कमेटी फ्रेम की है, ये आपके 4 बंदे हमने रख दिए हैं, ये आपको 2 महीने का टाइम देते हैं हम, और 2 महीने के बाद आपको ये कमेटी जो है आपको रिजल्ट देगी। बट टिल डेट अब आज तक कोई भी कुछ नहीं मिला। और अब हमारी जो है स्ट्राइक जो थी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी, अब 23 तक हमने फिर से बढ़ा दी है। अगर नहीं इन्होंने 23 तक हमारा कोई अगर रिजल्ट नहीं आता तो इसके बाद हम प्रोवेंस लेवल पर स्ट्राइक करेंगे, और जम्मू वाले जम्मू में करेंगे और श्रीनगर वाले 2 ग्रुप में होंगे, एक जम्मू और श्रीनगर। गवर्नर से क्या अपील? हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि गवर्नर साहब, जो हमारा RDD डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत से हर बींग में पोस्टें जो हैं बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई हैं, बहुत सी, ना कि इवन उसमें हमें GRs की जो हमारा ग्राम से डिपार्टमेंट है उसकी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, MS की पड़ी हैं, सॉरी TA की जो JEEs हैं उनकी जो जम्मू प्रोवेंस में कम लगभग कोई 200 पोस्ट वैकेंट है इसकी JEE की, परमानेंट JEE की। और ये जो JEE लाते हैं ये डेपुटेशन पे लाते हैं दूसरे महकमों से, और हम यही गवर्नर साहब से इत्तेजा करते हैं कि हमारे पास जो TA पड़े हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको 8-9 साल 10 साल हो गए हैं, उनको उनके जगह वो ऑब्जर्व किया जाए। क्योंकि देखिए सर, जो RDD डिपार्टमेंट है, जो हमारी जो नए सिटी ब्लॉक्स बने हैं वहाँ पे अभी इंस्पेक्टर के बिना वो सिटी ब्लॉक नहीं चल सकता। अगर इलेक्शन आ रही है, अगर आप इलेक्शन का काम चला जाते हो स्मूथली, तो वहाँ पे आप उनको जो हमारे परमानेंट ग्राम सेवक हैं जो उसके प्रमोशन के काबिल हैं उनको आप इंस्पेक्टर बना दीजिए, और उनकी जो पोस्टें बचती हैं उसमें सर हमारा पूरा का पूरा स्टाफ जो है सर ऑब्जर्व हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। सर मैं हमने कोई काम या डिमांड्स हैं वो निकाल नहीं रहा है, हम कोई 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी ग्राम सेवक काम नहीं कर रहा है, ये हड़ताल पे बैठे हैं, हम किसके पास जाएं, BDO के पास जाएं, किसके पास जाएं, हमारे काम ही नहीं हो, जो भी काम लेके आते हैं किसको, ये बेचारे परेशान हैं, इनका मसला नहीं हो रहा है, इनका मैं कहता हूं गवर्नर साहब से इनका मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए, ताकि हमारे मसले भी जो रुके हुए हैं, जो हमारे काम बंद पड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो, और जो काम जो रुके हुए हैं इनके, अगर इनका काम होगा तो हमारा जो हमारे नौजवान जो हमारे गरीब भाई हैं उनके काम जो भी रुके हुए हैं वो ये कर पाएंगे। अगर ये हड़ताल पे बैठेंगे तो जितनी भी पब्लिक है वो तो बेचारी परेशान है, वो कहाँ जाएंगे। सबका साथ सबका विकास को लेकर तो आपको क्या लगता है इस तरह से कितना विकास जो है इन इलाकों में हो पाएगा? मैं तो कहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ है, क्योंकि ये हाथी के दांत खाने को होने तो खाने को कुछ हो रहे हैं, काम तो कुछ होता नहीं है, रिटर्न में कहते हैं रिटर्न में भी नहीं हुआ है, बोलने से होता है, कोई करके दिखाए तो भी पता चलता है। बनी से हाफिज कुरैशी, अलर्ट इंडिया न्यूज़।